नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बताने वाले हैं जिनको खाकर आप अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों आजकल देखा जाता है कि आप और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कम उम्र से ही आंखों की रोशनी की दिक्कत होने लगती है, उनको कम दिखाई देता है और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत ही कम उम्र में उनके चश्मा लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को खास तौर पर ऐसे फूड्स आइटम को अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे फूड्स या वेजिटेबल कौन कौन से हैं जिनको खाकर आंखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है, तो चलिए बताते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी है। तो दोस्तों पहले नंबर पर आती है गाजर। जी हाँ दोस्तों, आंखों की रोशनी के लिए गाजर एक्सीलेंट वेजिटेबल है। आप इसे डायरेक्ट खा सकते हैं या फिर सब्जी और सलाद के रूप में भी कंज्यूम कर सकते हैं। गाजर खाने और इसका जूस पीने से आंखों की रोशनी तेज बढ़ती है। गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, फाइबर, विटामिन के, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के अलावा गाजर कैंसर के खतरे को भी कम करती है, साथ ही इससे वेट लूज भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है पालक। दोस्तों पालक को आप कई तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। आप पालक के पत्तों को भुजिया बना सकते हैं या फिर इसका जूस भी पी सकते हैं। चाहे तो आप पालक को अरहर या मूंग की दाल में उबार कर भी इसे खा सकते हैं। दोस्तों पालक आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपनी डाइट में रोज एक गिलास पालक का जूस पीते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी, के, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों अगली चीज है टमाटर। दोस्तों टमाटर तो हमेशा से ही मार्केट में मिलता है जो विटामिन सी का एक एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। दोस्तों टमाटर में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला विटामिन ए भी पाया जाता है। टमाटर में कॉपर भी होता है जिससे आंखें स्वस्थ रहती है। सब्जी के अलावा आप रोज एक कच्चा टमाटर या फिर इसका एक गिलास जूस रोज पी सकते हैं, इससे आंखों की रोशनी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। दोस्तों अगली चीज है शक्करकंद। जी हाँ दोस्तों, आंखों की स्वास्थ्य के लिए शक्करकंद भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके सब्जी मार्केट में शक्करकंद आपको कहीं भी मिलता हुआ दिखे तो कृपया इसे अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। शक्करकंद में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन ए, बी, सी के साथ बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आप शक्करकंद का कच्चा या उबाल कर भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज है ब्रोकली। दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में ब्रोकली की सब्जी शामिल करनी चाहिए। वैसे तो ये सब्जी हमारी सारी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन खास तौर पर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली में सल्फोराफेन, विटामिन के, सी, फोलेट, मैग्नीज और पोटेशियम होता है। इसके सेवन से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। अगली चीज है दोस्तों आंवला। दोस्तों आंवला एक ऐसा फल है जिसे आप अलग अलग रूप में खा सकते हैं। इसकी चटनी से लेकर इसका अचार बना सकते हैं या इसका मुरब्बा निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट रेटिना को स्वस्थ रखने का काम करता है। आंवले में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन फ्री रेडिकल्स को रोकने के साथ साथ आंखों की रोशनी को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वहीं रेटिना का हेल्दी बने रहना हमारी आंखों की रोशनी को मेंटेन रखने में काफ़ी मददगार होता है और ये सारा काम आंवला बखूबी करता है। तो दोस्तों ये थे वो फूड्स और वेजिटेबल जो खास तौर पर आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। अगर आपकी भी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, आपको भी कम उम्र में ही चश्मा लग गया है और नेचुरल तरीके से आप अपने आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी डेली लाइफ में इन फल फ्रूट और इन वेजिटेबल्स का सेवन जरूर करें। इनसे नेचुरली आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।